हेलो स्टूडेंट, आई एम सिल कुशवाहा, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ऑफ SIIT भोपाल। आज हम पढ़ने वाले हैं बीटा फंक्शन और इसके बाद गामा फंक्शन। सबसे पहले ये बता दें, बीटा गामा फंक्शन आप क्यों पढ़ रहे हैं? आपको पता, आप तो पहले से इंडक्शन पढ़ते आए हैं। बीटा गामा फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये भी कैसा है, डेफिनेट इंटीग्रल का है। बीटा और गामा फंक्शन की हेल्प से हम ऐसे फंक्शंस का इंडक्शन निकाल सकते हैं जिनको हम जनरल मेथड से नहीं निकाल सकते, और इनकी हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले बीटा फंक्शन डिफाइन करते हैं। बीटा फंक्शन क्या होता है? बीटा फंक्शन इज डोनेटेड बाय बीटा एम एन, और इसको पढ़ते हैं बीटा रीड एट बीटा एम एन, एंड इज डिफाइंड बाय बीटा एम एन इज इक्वल 0 to 1 एक्स टू डी पावर एम एस 1 माइनस एक्स टू डी पावर एन माइनस 1 dx। यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों वैल्यू m और n का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये देखिएगा, ये बीटा फंक्शन का डेफिनेशन है, और आप ये नया है, बट यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ये कैसा दिख रहा है, ये डेफिनेट इंटीग्रल दिख रहा है, ठीक है। तो बीटा फंक्शन की ये डेफिनेशन हो गई। इसके बाद हम आगे चलते हैं सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसका आगे हम यूज करेंगे जब रिलेशन निकालना होगा बीटा गामा फंक्शन का, या बहुत सारे क्वेश्चंस करने होंगे तो वहां पर इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। ये प्रॉपर्टी क्या होती है? इफ एम ग्रेटर देन 0 एन ग्रेटर देन 0 देन बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एन एम। इसको कैसे प्रूव करेंगे? बहुत सिंपल है। वी नो दैट बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन वी हैव बीटा एम एन इज इक्वल 0 to 1 एक्स टू डी पावर एम माइनस 1 माइनस एक्स टू डी पावर एन माइनस 1 dx, जैसा भी पहले अपन ने लिखा था। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। हमें इसको प्रूफ करना है बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एन एम। तो कैसे करेंगे? हमारे पास यहाँ पर एक डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी है, तो उसको यूज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी है? 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल 0 to 1 एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। इस चीज को हम इक्वेशन फर्स्ट में यूज कर लेंगे। तो कैसा है, कैसे करेंगे? यहाँ पर लिमिट 1 है, यहाँ पर लिमिट ए है, तो यहाँ पर लिखा है साइड में x रिप्लेस बाय ए माइनस एक्स। इस प्रॉपर्टी में कैसा करना है, जहाँ पे x था वहाँ पर ए माइनस एक्स हो गया है, तो यहाँ पर और यहाँ पे अपर लिमिट का ए था, तो यहाँ क्या होगा, x रिप्लेस बाय 1 माइनस एक्स, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में अपर लिमिट 1 है। तो इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई किया, सो बीटा एम एन इक्वल टू 0 to 1 माइनस एक्स टू डी पावर एम माइनस 1 माइनस, और यहाँ पे क्या है, जहाँ पे x था उसके प्लेस में 1 माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया। सो 1 माइनस 1 माइनस एक्स होल पावर एन माइनस 1 dx। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट किया, सो वी हैव बीटा एम एन इक्वल टू 0 to 1 माइनस एक्स होल पावर एम माइनस 1 एंड कैंसल 1 माइनस 1 प्लस एक्स होल पावर एन माइनस 1। क्लियर है? सो बीटा एम एन इक्वल टू 1 कैंसिल 0 to 1 माइनस एक्स टू डी पावर एम माइनस 1 इंटू एक्स टू पावर एन माइनस 1 dx। इसको रीअरेंज कर लिया, सो बीटा एम एन इक्वल टू 0 to 1 एक्स टू डी पावर एन माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू डी पावर एन माइनस 1 dx। इसको पहले लिखा, सो बाद में लिखा, और यहाँ पे हमने क्या किया, डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन लगा दिया। तो क्या हो गया, बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एन एम। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है अपन, अगर एम होता है तो यहाँ एम पहले आता है, देन एन बाद में आता है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, एन पहले है एम बाद में है, सो दे आर राइट बीटा एन एम। तो ये क्या है, दिस इज द सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द बीटा फंक्शन। अब इसी के आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या आता है, अदर फॉर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन। मतलब आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर ये फॉर्म्स भी होते हैं। पहला फॉर्म क्या है, बीटा एम एन इक्वल टू 0 to π/2 साइन 2m-1 थीटा कॉस 2n-1 थीटा डी थीटा, सॉरी यहाँ पे डी थीटा होगा, डी थीटा। सेकेंड यहाँ पर है बीटा एम एन इक्वल टू 0 to ∞ एक्स टू डी पावर एम माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू डी पावर एम प्लस 1 डी एक्स। एंड थर्ड बीटा एम एन इक्वल टू 0 to ∞ एक्स टू डी पावर एन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स एन प्लस एम डी एक्स।
तो ये अदर फॉर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन है, यहाँ पे इसके प्रूफ भी आगे बताएंगे। सो डियर स्टूडेंट, और अधिक नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।